युवराज सिंह एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही बड़े से बड़े गेंदबाज के पसीने छूट जाते थे। जब भी इंडिया के बड़े खिलाड़ियों का जिक्र किया जाए और उसमें युवराज सिंह का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2007 T20 वर्ल्ड कप हो या 2011 का वर्ल्ड कप, दोनों ही वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाने में युवराज सिंह की अहम भूमिका रही थी। पर क्या आप जानते हैं कि 2011 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने देश के लिए एक ऐसे समय पर एक ऐसी महान पारी खेली थी जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। वो मैच जिसकी हम बात कर रहे हैं 2011 वर्ल्ड कप का आखिरी लीग मैच था, जो कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 20 मार्च 2011 को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया था। वैसे तो इस मैच का दोनों टीमों के लिए ज्यादा महत्व नहीं था, क्योंकि दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी। पर पिछले मैच में हार कर आई टीम इंडिया के लिए जीत की पटरी पर लौटना बहुत जरूरी था। कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सचिन तेंदुलकर के साथ गौतम गंभीर को ओपनिंग करने का मौका मिला, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग चोटिल थे इसलिए वह उपलब्ध नहीं थे, जिनकी जगह सुरेश रैना को अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेलने का भी मौका मिल गया। एक ठोस शुरुआत की तलाश में उतरी भारतीय टीम का स्कोर अभी सिर्फ 8 ही रन हुआ था कि रवि रामपाल की अंतिम बॉल सचिन के बल्ले का एज लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। इसके बाद आए विराट कोहली ने गौतम गंभीर के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप की और भारतीय पारी को रफ्तार देना चाहा, पर गौतम गंभीर सिक्स लगाने के प्रयास में कैच देकर पवेलियन लौट गए। अब भारतीय पारी लड़खड़ाती नजर आ रही थी। यहां से भारत को एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो भारत की पारी को आगे ले जा सके। तभी आए युवराज सिंह। कोहली और युवराज ने मिलकर पहले तो जिम्मेदारी के साथ भारतीय पारी को संभाला और जैसे ही मैच मिडल ओवर्स में पहुंचा, युवराज सिंह ने तेजी से रन बनाते हुए बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। इधर विराट कोहली ने भी एक चौका लगा अपना 13वां ओडीआई 50 पूरा कर लिया था, पर वो रवि रामपाल की एक इनस्विंग बॉल को मिस कर बैठे और क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन आउट होने से पहले वो युवराज सिंह के साथ मिलकर 122 रन की अहम पार्टनरशिप कर चुके थे। उसके बाद युवराज सिंह का साथ देने आए कप्तान एमएस धोनी। युवराज सिंह ने 41वें ओवर की तीसरी बॉल पर सिंगल लेकर अपना 13वां ओडीआई शतक पूरा कर लिया, पर यह शतक उनके बल्ले से इतनी आसानी से नहीं आया था। इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। उस दिन चेन्नई में गर्मी के कारण उमस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मैच दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुआ था। गर्मी के कारण युवराज बीच मैच में ही बैठ जाते थे। पानी की कमी के कारण कई बार ड्रिंक्स टाइम से पहले ही उनके लिए ड्रिंक लाई गई, यहां तक कि उनसे रिटायरमेंट के लिए कहा गया। पर युवराज रिटायर नहीं हुए और एक छोर पर खड़े होकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। धोनी के स्टंपिंग होने के बाद भारत का स्कोर था 43 ओवर 223 रन और 4 विकेट डाउन। युवराज सिंह अभी मैदान पर खड़े हुए थे और उनके साथ थे सुरेश रैना, जबकि ड्रेसिंग रूम में भी यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ी बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि भारत मैच को अच्छे से फिनिश करके एक मजबूत टारगेट वेस्टइंडीज को देगा। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सुरेश रैना और यूसुफ पठान फ्लॉप रहे और फिर कायरन पोलार्ड ने युवराज सिंह को कॉट एंड बोल्ड करके उनकी इस महान पारी को भी समाप्त कर दिया। पर युवराज की इस महान पारी की महत्वता भारतीय फैंस के दिलों में उस दिन और ज्यादा बढ़ गई, जब वर्ल्ड कप के बाद उनके फेफड़ों में ट्यूमर होने की खबर ने सबको हिला कर रख दिया। युवराज सिंह की इस पारी के दम पर भारत ने वेस्टइंडीज को 269 रन का टारगेट दिया, जो कि वेस्टइंडीज के बैटिंग लाइनअप को देखते हुए ज्यादा बड़ा नहीं था, पर इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्हें भारतीय बॉलिंग अटैक का सामना करना था। वेस्टइंडीज की पारी का आगाज करने उतरे डेवोन स्मिथ और क्रिक एडवर्ड्स, दोनों ने अपनी टीम को अच्छी शुरुआत देते हुए कुछ दर्शनीय बाउंड्री लगाई, पर 34 रन के कुल स्कोर पर अश्विन ने एडवर्ड्स को LBW कर मेहमानों को पहला झटका दिया। इसके बाद डेवोन स्मिथ का साथ देने आए डरेन ब्रावो, दोनों संभलकर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ा रहे थे और दोनों के बीच 57 रन की पार्टनरशिप पनप चुकी थी। भारत को यह पार्टनरशिप तोड़ना बहुत जरूरी था। तभी बल्ले से फ्लॉप रहे सुरेश रैना ने गेंद से कमाल दिखाते हुए डरेन ब्रावो को हरभजन सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। फिर मैदान पर आए वेस्टइंडीज के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज राम नरेश सरवन, जिन्होंने स्मिथ के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने शुरू किए और दोनों ही बल्लेबाज बड़ी जिम्मेदारी के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे और 63 रन जोड़ चुके थे। मोमेंटम धीरे धीरे वेस्टइंडीज की तरफ शिफ्ट हो चुका था। भारत को गेम में वापस आने के लिए इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी था।
तभी जहीर खान ने 20वें ओवर की चौथी बॉल पर डेवन स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर खतरनाक दिख रही इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। स्मिथ के आउट होते ही मानो भारतीय गेंदबाजों में विकेट लेने की होड़ सी मचने लगी और देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने कायरन पोलार्ड, डेवोन थॉमस, डरेन सैमी और आंद्रे रसल को क्रमशः 1, 2, 2 और 0 रन के निजी स्कोर पर आउट कर एक समय आसानी से लक्ष्य हासिल करती दिख रही वेस्ट इंडीज की टीम को 188 रन पर ऑल आउट कर दिया और इस तरह भारत ने इस मैच को 80 रन से जीतकर क्वार्टर फाइनल से पहले लय हासिल कर ली। भारत की तरफ से जहीर खान ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए और वेस्ट इंडीज की तरफ से रवि रामपाल ने 5 विकेट चटकाए, जबकि 2 विकेट और 113 रन की महान पारी खेलने वाले युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, युवराज सिंह की मुश्किल वक्त पर खेली गई इस महान पारी के लिए एक लाइक तो बनता है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप युवराज सिंह की इस महान पारी के लाइव गवाह बने थे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि क्रिकेट हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी ही इमोशनल स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। बाकी बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।